हाय एवरीवन, कैसे आप सब। आपके सामने है 2023 की लेटेस्ट मॉडल अपग्रेडेड मॉडल हीरो एक्सपल्स 4V, जो कि अभी आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो गाइस, इसी बाइक के बारे में हम आपको फुल डिटेल्स में इस वीडियो में बताने वाले हैं कि 2023 की लेटेस्ट मॉडल अपग्रेड मॉडल हीरो एक्सपल्स 4V में आपको क्या क्या अपडेट मिलती है, क्या लेटेस्ट प्राइस है, कितनी आपको इसमें माइलेज मिलती है। तो दोस्तों, अगर आप इस बाइक को लेने की प्लान कर रहे हैं या लेने वाले हैं, तो इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो के लास्ट तक इस बाइक से जुड़ी हर एक डिटेल्स हम आपसे शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिएगा, जिससे आप आने वाली वीडियो को मिस कर सकें। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से इसकी जो साइड प्रोफाइल है, कुछ इस तरह से निकल के आती है। जो राइट साइड प्रोफाइल है, यह टूरर बाइक है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जो काफ़ी अच्छी लगी देखने में। तो गाइस, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस बाइक के फ्रंट लुक और स्टाइलिंग से। तो गाइस, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस बाइक का जो फ्रंट प्रोफाइल है, कुछ इस तरह से निकल के आती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो जो विंडशील्ड आपको मिलती है, इसमें ट्रांसपेरेंट आपको विंडशील्ड मिल जाती है, जो कि आप देख पा रहे होंगे कुछ इस तरीके का इसमें विंडशील्ड दिया गया है, जो काफ़ी आपको लॉन्ग मिल जाती है। और हेडलाइट की तरफ आए तो गाइस, यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें आपको जो हेडलाइट का सेटअप मिलता है, कम्प्लीटली आपको LED हेडलाइट की सेटअप मिल जाती है, जो कि आप देख पा रहे होंगे कुछ इस पैटर्न में आपको देखने को मिल जाती है, जो काफ़ी प्रीमियम लगती देखने में। और LED डियल्स आपको कुछ इस पैटर्न में आपको मिल जाती है, जो काफ़ी अच्छी लगी देखने में। तो यहाँ पर आप बीच में देखेंगे तो आपके यहाँ पर हीरो का आपको लोगो मिल जाता है इसके हेडलाइट में। तो इस तरह से आपको राउंड शेप में इसमें हेडलाइट का सेटअप दिया गया है। और टर्न इंडिकेटर की बात करें तो गाइस, इसमें आपको इंडिकेटर जो लगी मिलती है 12 वाट के हैलोजन बल्ब के इंडिकेटर आपको लगी मिलती है फ्रंट और रियर दोनों साइड में। तो इस तरह से इसका फ्रंट प्रोफाइल निकल के आती है। तो गाइस, आपको यह बाइक कैसी लग रही है हीरो एक्सपल्स 4V, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। गाइस, यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको इसमें नकल गार्ड लगी मिलती है, कुछ इस तरह का आपको मिल जाती है, व्हाइट और ब्लैक कलर का कम्बिनेशन दिया गया है, दोनों साइड में आपको इस तरह से मिल जाती है। सो गाइस, यहाँ पे आप देखेंगे इसका जो फ्रंट फेंडर मिलता है, कुछ इस तरीके का इसमें दिया गया है, फायरबर्ड का आपको लगा मिलता है, हीरो का आपको लोगो मिल जाता है, यहाँ पे ब्लू कलर की आपकी ग्राफिक्स मिल जाती है। तो गाइस, यहाँ पे आप देखेंगे तो इसका फ्रंट फेंडर आपको मिलता है काफ़ी ऊँचा दिया गया है। इसमें जो गैपिंग आपको मिलती है, जो इसमें व्हील दिया गया है, इसके बीच में आपको जो गैपिंग मिलती है, काफ़ी गैपिंग आपको मिल जाती है, जिससे आप ऑफरोडिंग करते हैं तो उस कंडीशन में आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। प्रॉपर यह ऑफरोडर बाइक है हीरो एक्सपल्स 4V। तो अब बात करेंगे इस बाइक के सस्पेंशन के बारे में। तो गाइस, फ्रंट में आपको जो सस्पेंशन इस बाइक में लगी मिलती है, टेलीस्कोपिक फोक सस्पेंशन आपको लगी मिलती है, जो कि 37mm डायमीटर के साथ आपको मिलती है। एंटी फ्रिक्शन बस के साथ इसमें सस्पेंशन दिया गया, जो काफ़ी बेटर सस्पेंशन आपको इस बाइक में प्रोवाइड किया है हीरो ने, जिससे आपको जो राइडिंग कम्फर्ट है वो काफ़ी बेहतरीन आपको मिल जाएगी। और अब बातें हैं इसके व्हील की तरफ। तो गाइस, यहाँ पे आप देखेंगे तो फ्रंट में आपको जो व्हील लगी मिलती है, जो कि आप देख पा रहे होंगे, इस तरह से आपको स्पोक व्हील्स लगी मिलती है। यह बाइक सिंगल चैनल ABS के साथ अवेलेबल है। तो आपको जो टायर लगी मिलती है 90x90 21 इंचेस का आपको इसमें ट्यूब वाले टायर इस बाइक में लगी मिलती है, जो कि इस तरह से आपको टायर लगी मिलती है, जिसकी ग्रिपिंग आप देख पा रहे हो काफ़ी शानदार आपको ग्रिपिंग मिल जाती है, जिससे अगर आप ऑफरोडिंग करते हैं तो आपको काफ़ी हेल्प मिलती है। यहाँ पे आप देखेंगे सस्पेंशन पे तो आपके यहाँ पे रिफ्लेक्टर लगी मिलती है, यहाँ पे आपको सिल्वर फिनिशिंग आपके यहाँ पर मिल जाती है। अब बात करें इसकी ब्रेकिंग के बारे में, तो जैसा कि गाइस मैंने बताया कि यह बाइक सिंगल चैनल ABS के साथ अवेलेबल है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो फ्रंट में आपको जो डिस्क ब्रेक लगी मिलती है 276mm का आपको डिस्क ब्रेक लगी मिलती है, बीच में आपको ABS का चैन मिल जाता है। और सस्पेंशन पर आप देखेंगे तो ABS के आपके यहाँ पर ब्रांडिंग मिल जाती है। और जैसा कि मैंने बताया कि आपको जो व्हील लगी मिलती है, स्पोक व्हील्स आपको लगी मिलती है, जो रिम आपको मिलती है इसमें ब्लैक कलर में दिया गया है। तो इस तरह से है इस बाइक का फ्रंट प्रोफाइल। तो गाइस, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस बाइक का जो राइट साइड प्रोफाइल है, कुछ इस तरह से निकल के आती है। बाइक काफ़ी अच्छी लगी देखने में। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसके फ्यूल टैंक पे तो आपके यहाँ पर एक्सपल्स 4V की आपके यहाँ पे ब्रांडिंग मिल जाती है, जो काफ़ी अच्छी लगती है देखने में। तो इस तरह से आपको यहाँ पे ग्राफिक्स मिलती है, जिसकी वजह से यह बाइक काफ़ी अच्छी लग रही है देखने में। ब्लू और वाइट कलर का इसमें कम्बिनेशन दिया गया है। यहाँ पर आपको 4V की आपको यहाँ पे ब्रांडिंग मिल जाती है और प्रोग्राम FI की आपको बैजिंग मिल जाती है, जैसा कि इसमें आपको प्रोग्राम FI इंजन लगी मिलती है। और इसमें आप देख पा रहे होंगे इसमें किक भी दिया हुआ है, जो काफ़ी अच्छी बात है। इस तरह से आपको इसमें इंजन लगी मिलती है। तो इंजन स्पेसिफिकेशन मैं आगे वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इंजन गार्ड जो आपको लगी मिलती है इसमें मेटलिक का दिया गया है, जो काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पर आप नोटिस करेंगे जो ब्रेक है, राइडर फुट पैक्स है, पिलियन फुट पैक्स है, आपको इसमें काफ़ी अच्छी क्वालिटी का इसमें ऑफर किया गया है। और इंजन पर आप दोनों साइड में देखेंगे तो आपके यहाँ पर हीरो की आपको यहाँ पर ब्रांडिंग मिल जाती है। तो साइड पैनल पे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे इस तरह से ग्राफिक्स मिलती है और रियर में आपको यहाँ पे हीरो की बैजिंग मिली है। ये चीज़ यहाँ पे नोटिस करेंगे, कुछ इसका एग्जॉस्ट लगा मिलता है यहाँ पे ऊपर साइड में दिया गया है, जो काफ़ी अच्छी बात है। तो चलिए गाइस, मैं आपको इसका एग्जॉस्ट नोट सुना देता हूँ कि आपको इसका एग्जॉस्ट नोट कैसा मिलता है।
तो इस तरीके का है इस बाइक का एक डैश नोट। चलिए गाइस अब बात करते हैं इस बाइक के रियर सस्पेंशन और ब्रेकिंग के बारे में। तो रियर में आपको जो सस्पेंशन इस बाइक में मिलती है 10 स्टेप एडजस्टेबल मोनो क्रॉस सस्पेंशन आपको लग मिलती है, जो कि आप देख पा रहे होंगे, जिससे आप 10 स्टेप तक अपने हाइट के अकॉर्डिंग इसे एडजस्ट कर सकते हैं, जो काफ़ी अच्छी बात है। तो काफ़ी अच्छा सस्पेंशन रियर में भी आपको ऑफर किया गया है इस बाइक में। अब बात करें इस बाइक के रियर ब्रेकिंग के बारे में, तो गाइस जैसा कि मैंने बताया कि आपको यह बाइक सिंगल चैनल ABS के साथ आती है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो रियर में आपको जो डिस्क ब्रेक लगी मिलती है 220mm की आपको डिस्क ब्रेक लगी मिलती है, और जो ब्रेक कैलिपर आपको मिलता है इस बाइक में निफिन का ब्रेक कैलिपर दिया हुआ है। और व्हील साइज की बात करें तो रियर में आपको जो व्हील साइज मिलती है 18 इंचेस का व्हील साइज दिया गया है, जबकि आपको फ्रंट में जो व्हील साइज मिलती है 21 इंचेस का व्हील साइज दिया गया है। बट यहाँ पे आप देखेंगे रियर में तो आपको जो व्हील साइज मिलती है 18 इंचेस का आपको व्हील साइज मिलती है, जिस पर आप नोटिस करेंगे तो जो टायर प्रोफाइल आपको लगी मिलती है वो 120/80 17 इंचेस का आपको ट्यूब वाले टायर इस बाइक में मिलती है, जिसकी ग्रिपिंग आप देख पा रहे होंगे काफ़ी बेहतरीन इसमें ग्रिपिंग प्रोवाइड किया गया है, जिससे आपको जो रोड प्रेजेंस है ग्रिपिंग है काफ़ी शानदार आपको इस बाइक में मिल जाती है। और व्हील जो आपको लगी मिलती है स्पोक व्हील्स इसमें दिया गया है रियर में भी। सो गाइस यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस बाइक का जो रियर प्रोफाइल है कुछ ऐसा निकल आती है, तो जो टेल लाइट आपको मिलती है LED टेल लाइट आपको लगी मिलती है, जो काफ़ी यूनिक लगती है देखने में, काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है देखने में। और रियर फेंडर पे आपको यहाँ पे हीरो की बैजिंग मिल जाती है, और जो टर्न इंडिकेटर आपको रियर में लगी मिलती है 12 वाट के हैलोजन बल्ब के इंडिकेटर आपको रियर में भी लगी मिलती है, जो काफ़ी फ्लेक्सिबल आपको इस बाइक में लगी मिलती है। तो इस तरह से इसका रियर प्रोफाइल निकल के आती है। तो आपको जो ग्रैब हैंडल्स मिलता है कुछ इस तरीके का आपको इसमें ग्रैब हैंडल्स मिल जाती है, ग्रे फिनिशिंग के साथ आपको यहाँ पर मिल जाती है। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर रबर पैड भी दिया गया है, तो इस तरह से आपको इसमें मेटलिक इसमें ग्रैब हैंडल्स आपको मिल जाती है हीरो एक्सप्लस 4B में। सो गाइस यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस बाइक का जो लेफ्ट साइड प्रोफाइल है कुछ इससे निकल जाती है, बाइक काफ़ी अच्छी लगी देखने में। तो गाइस आपको यह बाइक कैसी लगी है हीरो एक्सप्लस 4B कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। तो इसके फ्यूल टैंक की तरफ आए तो गाइस यहाँ पे आप देखेंगे इस साइड में भी तो आपको यहाँ पर एक्सप्लस की आप ब्रांडिंग मिल जाती है, जो कि ग्राफिक्स में दिया गया है, जो काफ़ी अच्छी लगती है देखने में। प्रोग्राम FI की आपको यहाँ पे बैजिंग मिल जाती है इस तरह से, जैसा कि इसमें आपको लिक्विड कूल्ड इसमें इंजन लगी मिलती है, तो इस तरह से फ्रंट में आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे रेडिएटर आपको मिल जाती है, और इस साइड में अभी आप देखेंगे इसके साइड पैनल पे तो आपके इस तरह से ग्राफिक्स मिलती है और हीरो की आपको ब्रांडिंग मिल जाती है। चलिए गाइस अब बात करते हैं इसके सीटिंग कंफर्ट के बारे में। तो गाइस इसमें आपको जो सीट लगी मिलती है सिंगल सीट आपको लगी मिलती है, जो सीट हाइट आपको मिलती है 825mm का आपको सीट हाइट मिल जाती है। अब बात करते हैं इसके कुशनिंग के बारे में, तो गाइस यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें आपको जो सीट लगी मिलती है काफ़ी कंफर्टेबल आपको सीट लगी मिलती है, कुछ इस तरीके का थिन आपको सीट मिल जाती है और कंफर्टेबल इसमें सीट लगी मिलती है, जो राइडिंग कंफर्ट है आपको काफ़ी बेहतरीन इस बाइक में देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो वेल कुशन्ड इसमें सीट दिया गया है, जो राइडिंग के टाइम पर आपको काफ़ी कंफर्ट प्रोवाइड करने वाले हैं। तो यहाँ आप देखें तो डुअल टोन फिनिशिंग में आपको यहाँ पे इसकी सीट लगी मिलती है। तो ओवरऑल बात करें तो इसमें आपको जो सीट लगी मिलती है काफ़ी कंफर्टेबल इसमें सीट हीरो ने ऑफर किया है। अब बात करें इसके फ्यूल टैंक के बारे में, तो गाइस यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें आपको जो फ्यूल टैंक लगी मिलती है 13 लीटर का इसमें फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको मिल जाती है। यहाँ पे आप नोटिस करेंगे तो आपको यहाँ पर E20 की बैजिंग मिली है, यह बाइक भी एथनॉल कंपेटेबल हो चुकी है। इस तरह से आपको यहाँ पे फ्यूल फिलिंग कैप आपको मिली है, ब्लैक कलर में दिया गया है। और हैंडल बार के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इस तरह से आपको इसकी हैंडल बार लगी मिलती है। तो स्विचेस की बात करें तो गाइस यहाँ पे आप देखेंगे इसके लेफ्ट पे तो आपके यहाँ पे पासिंग लाइट का स्विच, हाई बीम लो बीम, टर्न इंडिकेटर और हॉर्न के यहाँ पे स्विच दिया गया है। इसकी ग्रिपिंग आपको जो मिलती है काफ़ी शानदार इसमें ग्रिपिंग मिल जाती है, इस तरह से इसमें हैंडल बार आपको मिल जाती है। और राइट में आप देखेंगे तो आपके यहाँ पर इंजन स्टॉप स्टार्ट का स्विच दिया गया है, इसकी ग्रिपिंग आपको अच्छी खासी मिल जाती है। चलिए गाइस अब बात करते हैं इसके मीटर कंसोल के बारे में, तो गाइस इसमें आपको जो मीटर कंसोल लगी मिलती है फुली डिजिटल मीटर कंसोल ऑफर किया गया है, जैसा कि पहले भी आपको मिलता था सेम ही मीटर कंसोल आपको इस बाइक में भी कंटिन्यू देखने को मिलता है 2023 मॉडल में। तो यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर साइड में तो आपके यहाँ पर साइड स्टैंड की वार्निंग, फ्यूल इंडिकेशन, न्यूट्रल लाइट, ABS का इंडिकेशन, चेक इंजन लाइट, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाती है। और मीटर कंसोल में आप देखेंगे तो आपके यहाँ पर RPM मीटर मिल जाती है, किलोमीटर, ट्रिप मीटर, ओडोमीटर, गियर शिफ्टिंग इंडिकेशन, साथ साथ यहाँ पे आपको एवरेज कितना मिला हुआ है, टाइम, डेट, ये सारी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। और साथ साथ इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिव फीचर्स मिल जाती है, जो हीरो की राइड कनेक्ट ऐप है उससे आप पेयर करते हैं, तो जो भी इसमें कनेक्टिव फीचर्स दिए गए हैं जैसे इनकमिंग कॉल, मैसेज अलर्ट, ये सारी कनेक्टिव फीचर्स का आप बेनिफिट ले सकते हैं। तो इस तरह से आपको इसमें जो मीटर कंसोल मिलती है फुली डिजिटल मीटर कंसोल दिया गया है विद ब्लूटूथ कनेक्टिव फीचर्स के साथ, आपको यहाँ पर इसमें मीटर कंसोल मिल जाती है। और गाइस यहाँ पे आप देखेंगे फ्रंट में तो आपके यहाँ पे USB चार्जिंग सॉकेट भी आपको यहाँ पे मिल जाती है। चलिए गाइस अब बात करते हैं इसके इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो इसमें आपको जो इंजन डिस्प्लेसमेंट मिलती है 199.6 cc का सिंगल सिलेंडर
ऑयल कूल्ड आपको इसमें इंजन लगी मिलती है जो मैक्स पावर जनरेट करती है 18.9 बीएचपी की पावर जनरेट करती है एट 8500 आरपीएम पे आपको मैक्सिमम पावर भी आती है। मैक्सिमम टॉर्क की बात करें तो इसमें आपको जो मैक्सिमम टॉर्क निकल के आती है 17.35 न्यूटन मीटर की आपको टॉर्क मिलती है एट 6500 आरपीएम पे आपको मैक्सिमम टॉर्क मिल जाती है। तो इस तरह से आपको काफ़ी पावरफुल इसमें इंजन लगी मिलती है जो कि प्रोग्राम FI आपको इसमें इंजन लगी मिलती है। और इसमें आपको जो गियर बॉक्स लगा मिलता है 5-speed गियर बॉक्स आपको लगी मिलती है। साइड इसे इंजन कट आपका आपको फीचर मिल जाती है। तो गाइस जैसा कि मैंने बताया कि आपको जो इसमें फुटपैक्स लगा मिलता है काफ़ी अच्छी क्वालिटी का इस बाइक में ऑफर किया जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको जो चेन ड्राइव सिस्टम आपको लगी मिलती है ओपन चेन ड्राइव सिस्टम आपको इस बाइक में लगी मिलती है जो लो बोरिंग मेंटेनेंस वाली आपको चेन ड्राइव सिस्टम लगी मिलती है। इस तरह से रियर में आप देखेंगे तो जो एसेसरीज लगी मिलती है जैसे राइडर फुटपैक्स और साड़ी गार्ड काफ़ी अच्छी क्वालिटी का इसमें लगा मिलता है। सो गाइस ये हो गया इस बाइक के फीचर और स्पेसिफिकेशंस की बात। अब बात करते हैं इसके डायमेंशंस के बारे में। तो इस बाइक का जो कॉर्बेट आपको मिलता है 159 केजी का इसका वेट दिया गया है। सीट हाइट की बात करें तो इसमें आपको जो सीट हाइट मिलती है 825 एम का सीट हाइट मिल जाती है। और गाइस इसमें आपको जो ग्राउंड किस मिलती है 220 एम का आपको ग्राउंड किस मिल जाती है जो काफ़ी अच्छी बात है। और ओवरऑल लेंथ की बात करें तो इसका जो ओवरऑल लेंथ मिलता है 220 mm का आपको ओवरऑल लेंथ मिल जाती है। विड्थ की बात करें तो इसमें आपको जो विड्थ मिलती है 862 mm का इसमें विड्थ दिया गया है। और व्हील बेस की बात करें तो इसमें आपको जो व्हील बेस मिलती है 1410 mm का आपको व्हील बेस मिल जाती है। और ओवरऑल हाइट की बात करें तो इसमें आपको जो ओवरऑल हाइट मिलती है 1320 mm का ओवरऑल हाइट मिल जाती है। और कंपनी इसमें आपको जो वारंटी प्रोवाइड करती है 5 ईयर की इसमें एक्सटेंडेड वारंटी प्रोवाइड करती है। अब बात करें इसके माइलेज के बारे में तो हीरो एक्सप्रेस 4V में आपको जो माइलेज मिलेगी नियर अबाउट 30 से 32 KMPL की आपको इसमें माइलेज मिल जाएगी। चलिए अब बात करते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में। तो इस बाइक का जो ऑन रोड प्राइस निकल के आ रहा है वाराणसी में 1,67,000 से 1,72,000 के बीच में यह बाइक अवेलेबल हो जाएगी। तो दोस्तों यह प्राइस जो मैंने बताया है एग्जैक्ट प्राइस नहीं है, अप्रॉक्सीमेट प्राइस है। एग्जैक्ट प्राइस के लिए आप हीरो शोरूम में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो शोरूम का सारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इस बाइक का एग्जैक्ट प्राइस ले सकते हैं। सो गाइस ये रहा हीरो एक्सप्रेस 4V 2023 मॉडल का डिटेल रिव्यू, जिसमें हमने आपको बता दिया कि इस बाइक में क्या क्या आपको फीचर्स मिलता है, क्या स्पेसिफिकेशंस है, कितनी इस बाइक की ऑन रोड प्राइस होने वाली है। तो दोस्तों कैसी लगी ये बाइक, कैसी लगी ये रिव्यू, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। तो दोस्तों ऐसा ही कार और बाइक रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।